हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपनी इस ब्यूटीफुल ज़िंदगी को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है विंटर में होने वाला एक बहुत खूबसूरत प्लांट। पहचाना आप लोगों ने? ये है ऑर्नामेंटल कैबेज। गोभी के पत्तों जैसा लग रहा है नहीं? बंद गोभी के पत्तों जैसा। देखिए, विंटर में आपकी गार्डन को एक अलग सी शान देने वाला ये प्लांट। ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा डिफरेंट कलर का ये वाला। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट विंटर में एक कलरफुल जो एनवायरनमेंट है वो आपके पूरे गार्डन को देता है। देखिए, मुझे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी केयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसकी सॉइल जो होनी चाहिए, जैसे हर हर पॉट में उसमें होता ही है, हर प्लांट की सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। और मैं तो अपनी बात करूँ फ्रेंड्स, मुझे तो एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है प्लांट्स पर। वही बात है, कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं होते। लोग कहते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। देखिए, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसको इसकी ओरिजिनल ग्रोथ से बढ़ने दिया है। तो ये प्लांट ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, कहते हैं ना कि इसको ओवर फर्टिलाइज़र नहीं कर देना चाहिए, कि ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके स्टॉक लंबा हो जाता है तो खूबसूरत नहीं लगता। मुझे तो ये स्टॉक जब इसका बड़ा है तब भी मुझे बहुत खूबसूरत ही लग रहा है। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, उसमें हम कुछ वो नहीं कर सकते। लेकिन मतलब इतना होने के बाद भी इसने ये जो है प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। ये देखिए, देखिए मैं आपको उसका स्टॉक दिखाऊँ। मैंने अगर इसको प्रॉपरली मतलब कुछ इसकी प्रूनिंग वगैरह कुछ नहीं करी। ये देखिए, बिल्कुल गोभी, बंद गोभी के पत्तों जैसा। ये देखिए, इसकी मिट्टी जो होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वैसे तो जैसे हर प्लांट में होती है, हर प्लांट पे यही बात होती है कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी इसकी सॉइल होगी तो जितना, और विंटर्स में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि विंटर्स की सनलाइट इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। ये विंटर्स में बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये देखिए, अभी ये वाला इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया मेरा ये वाला कलर। लेकिन जब ज़्यादा मतलब ज़्यादा धूप पड़ने लगती है तब कहना कहते हैं इसको पता थोड़ा कम सनलाइट में रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट बर्दाश्त नहीं करता। और ज़्यादा इसका ग्रोइंग सीजन जो ज़्यादा है अच्छा है वो विंटर्स है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जैसे कहते हैं गोभी में मतलब कीड़े लगते हैं, वैसे ही इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनका अटैक जल्दी होता है। तो मैं तो कीड़ों के अटैक से इसको बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ, खास कुछ नहीं करती फ्रेंड्स। मैं केमिकल जितना हो सके उतना कम से कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, कम से कम प्लांट्स में। ज़्यादातर देखिए, मैं तो ये गोबर की खाद रहती है, गोबर की खाद मैं इसमें डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब तक जितना पॉसिबल हो सके मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स मैं यूज़ करना पसंद नहीं करती प्लांट्स में, और मुझे लगता है प्रॉपरली ग्रो भी करते हैं। ये देखिए, बस वो पैसे बचाने के लिए कभी कभी नीम ऑयल का स्प्रे कर लो। और वो कहते हैं कि मतलब कोई लोग कहते हैं कि इसको बड़ा नहीं होता जी क्योंकि इसको वैसे शेप में ज़्यादा सुंदर लगता है। खैर, वही बात मैं कह रही हूँ आपसे, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मुझे ऐसा मतलब बढ़ता हुआ भी मुझे कोई मुझे ठीक ही लग रहा है ये अपने हिसाब से, अपने गार्डन के हिसाब से। ये भी गॉड की एक ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी है। ये देखिए, ये भगवान की एक ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी को, तभी मैं आपसे कहती हूँ कि ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप शायद उस भगवान की सबसे अच्छी क्रिएटिविटी हैं। अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाइए, खुश रहिए, आसपास की दुनिया को खुश रखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।